नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम फार्मेसी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं, और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके फर्स्ट पार्ट को जाकर के ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे व्हीकल टॉपिक से। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें कि आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, देरी ना करते हुए आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 96। सियेरा फ्लेवा इज ए, ऑप्शन ए वाइट सॉफ्ट पैराफिन, ऑप्शन बी येलो सॉफ्ट पैराफिन, एंड ऑप्शन सी कैटेशियम, एंड ऑप्शन डी नन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन। तो चलिए अपन चलिए सियेरा फ्लेवा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सियेरा फ्लेवा इज द सिनोनिम्स ऑफ येलो बी वैक्स। वैक्सेस आर सॉलिड इस्टर ऑफ हायर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स एंड हायर फैटी एसिड रेदर देन ग्लिसरॉल। फॉलोइंग आर थ्री कॉमन वेराइटीज़ ऑफ वैक्सेस। पहला है बी वैक्सेस, जिसे कि अपन वाइट बी वैक्सेस एंड येलो बी वैक्स कहते हैं। दूसरा है लेरोनिन, एंड तीसरा है स्पर्मेसिटी। चलिए इसका लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। सॉफ्ट पैराफिन ऑल्सो नोन एज द पेट्रोलियम जेली, पैराफिनम मॉली, इट इज़ ए सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेंड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम आफ्टर केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, फ्यूल ऑयल और डीजल ऑयल हैव बीन सेपरेटेड। इट इज़ देन द ब्लीच्ड एंड प्यूरिफाइड। सॉफ्ट पैराफिन इज अवेलेबल इन टू वेराइटीज। तो इसमें दो वेराइटी है सॉफ्ट पैराफिन के, पहला वाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड दूसरा है येलो सॉफ्ट पैराफिन। वाइट सॉफ्ट पैराफिन में क्या है, सिनोनिम्स वाइट पेट्रोलियम जेली या पैराफिनम मॉली एल्बम कहते हैं, एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन को येलो पेट्रोलियम जेली एंड पैराफिनम मॉली फ्लेवम कहते हैं। उसी तरह अपन देखते हैं इसमें कैटेशियम इज ए सिनोनिम्स ऑफ स्पर्मेसिटी। स्पर्मेसिटी इज ए वैक्सी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम हेड ऑफ स्पर्म वेल फाइस्टर मैक्रोफेलस लैरिन। चलिए आगे देखते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 97। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल इज 0.815 to 0.816। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपन। तो अपन देख लिए स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का कितना 0.815 to 0.816 है। तो उसी तरह बाकी का भी अपन देखते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एल्कोहल का कितना है 0.792, रेक्टिफाइड स्पिरिट का है 0.812, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल का तो अपन देख ही लिए 0.816, डिस्पेंसिंग एल्कोहल का है 0.8840, डायल्यूट एल्कोहल का है 0.890, ऑलिव ऑयल का है 0.912 to 0.913, एंड स्पर्मिसिटी का है 0.940, एंड ग्लिसरीन का है 1.255। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, एब्सोल्यूट एल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल की, या किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज़ द वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट द स्पेसिफिक फील्ड टेम्परेचर कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ एन इक्वल कॉलम ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड कैन बी डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल और द कॉमन हाइड्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। लेनोनिन इज ए प्रिपेयर फ्रॉम ऑप्शन डी वूल ऑफ शिप। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वूल ऑफ शिप। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। लेनोनिन इज ए प्योरीफाइड एंड हार्ड्रस फैट लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द वूल ऑफ शिप, एंड द सिनोनिम्स ऑफ लेनोनिन इज द वूल फैट और एडिप्स लेने। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, स्प्रिंगली सॉल्यूबल इन कोल्ड एल्कोहल, फ्रीली सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट ईथर एंड इन HCl3। मेल्टिंग रेंज इज 36 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यू टू पेनिट्रेटिंग पावर विथ इन द स्किन इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन ऑइंटमेंट की तरह इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है।
तो चलिए बाकी का इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं, ओली ऑयल के बारे में, आलमंड ऑयल के बारे में एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो इसके सब के बारे में भी अपन थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ऑलिव ऑयल क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ ए फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द राइप फ्रूट्स ऑफ ओलिया यूरोपिया। इट इज़ ए पेल येलो बट इट इज़ ए कलर मे वेरी फ्रॉम कलरलेस टू ग्रीन और ग्रीनिस येलो। इट इज़ ए यूज फॉर प्रिपेयरिंग ए लिनीमेंट। लिनीमेंट बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का उपयोग किया जाता है। ऑलिव ऑयल बींग एज ब्लैंड अन इरीटेटिंग फिक्सड ऑयल यूजअली अप्लाइड एज एन इमोलियंट इन द ड्राई स्किन डिसीज। Because olive oil retarded the flow of gastric juice, it is excellent food in case of gastric ulcer for the acid prevent the healing of the ulcer. It is a good mild laxative and can be taken at the bedtime. उसी तरह देखते हैं अपन almond oil के बारे में। तो almond oil क्या है फ्रेंड? It is a fixed oil obtained from the seeds of Prunus amidalis, where Dulcus aureus Prunus amidalis वेयर amara by maceration with water and subsequent distillation with steam. Almond oil is a demulant and emollient and being a bland oil make a good basis for the preparation of liniment in place of olive oil. ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को क्लियर हो गया होगा सबके बारे में, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड करिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, लेनोनिन इज ए प्रिपेयर फ्रॉम, तभी अपन ने देखा है, प्यूरिफाइड एनहाइड्रस फैट लाइक ए सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम द वूल शीप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 100, ऑइंटमेंट इज ए प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ए मदर टिंचर एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन इन रेशियो ऑफ। ऑप्शन ए 1:9, ऑइंटमेंट इज ए प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ए मदर टिंचर एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन। मीन्स वन पार्ट रहेगा मदर टिंचर का एंड 9 पार्ट रहेगा वाइट सॉफ्ट पैराफिन का। चलिए इसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ऑइंटमेंट इज ए प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ए वन पार्ट ऑफ वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मदर टिंचर एंड 9 पार्ट बाय वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ऑइंटमेंट्स क्या है? दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। They should have a required consistency so that they may be rapidly applied on the skin by rubbing. They are also called the therapeutic cream. Explain Aesculus ointment, Anika ointment, Calendula ointment. तो ये सब ointment के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसमें क्या है, कैसे बनाया जाता है? 1 part mother tincture का रहता है और 9 part रहता है white salt paraffin का। तो इस तरह से फिर ये ointment prepare किया जाता है friends। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन next question की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, इसमें क्या है? टू मेक यूनिफॉर्म कलर ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन विच इज़ द मिक्स्ड विद मदर टिंचर विद एल्कोहल। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या मिक्स किया जाता है? मदर टिंचर विद एल्कोहल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज ए टेकन इन ए क्लीन राउंड फियाल and the required amount of mother tincture is poured over it. The fial is cooked and shaken well. The mixture is shaken vigorously till its color become uniform. Means अपन क्या करते हैं, एक क्लीन राउंड बॉटल लेते हैं या फियाल जिसे भी बोलते हैं अपन, और प्यूरिफाइड वाटर लेते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में, और उसमें क्या मिलाते हैं अपन, मदर टिंचर, और उसको अच्छे से शेक करते हैं। तो इस तरह से ये प्रिपेयर होता है फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। लोशन है, इस तरह से ये एक्सटर्नल लोशन प्रिपेयर होता है। देशन दीज आर लिक्विड सस्पेंशन और डिस्पर्शन इन एक्वस मीडिया यूज्ड एज ए एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओवर द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। 1 part ऑफ द मदर टिंचर एंड 9 part ऑफ द प्योरीफाइड वाटर आर मिक्सड थोरली इन द लेबल ऑफ द फियाल कंटेनिंग ए लोशन। द शेक वेल बिफोर यूज and for the external use only must be exhibited with the different of uses. तो कौन कौन से हैं लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन अपन देखते हैं, ग्लिसरॉल ऑइंटमेंट लिनीमेंट ओपोडिलेक्टॉक्स लोशन सीरेट्स पॉलिटिसिस फॉर्मेंटेशन प्लास्टर ऑयल्स इंजेक्शन एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो ये सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 102, इन प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ माल्ट विच इज द डाइस्टेज. ऑप्शन डी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए इसके बारे में लिटिल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपन. इट इज़ ए प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल स्टार्च इज ए कन्वर्टेड इंटू माल्टेज विद द हेल्प ऑफ माल्ट विच इज ए कंटेन एंजाइम डाइस्टेज. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च इंटू माल्टेज इज नोन एज द सैक्रिफिकेशन. इथाइल एल्कोहल क्या है फ्रेंड्स? केमिकल फॉर्मूला C2H6OH. मॉलिकुलर वेट 46.07. सिनोनिम्स इथाइल. स्पिरिट ऑफ वाइन ग्रेन एल्कोहल. सोर्स ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या है? मोलेसिस. ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इथाइल एल्कोहल. सब्सटेंस रिच इन स्टार्च. राइस, वीट, मेज, पोटेटोज एक्सेट्रा. सब्सटेंस रिच इन सुगर, केन सुगर एक्सेट्रा. एंड सिंथेटिकली फ्रॉम एथिलीन. इट इज़ ए कलरलेस, नेचुरल, ट्रांसपेरेंट, वोलेटाइल लिक्विड विथ ए प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 103. लिलीमेंट प्रिपरेशन मेड बाय मिक्सिंग मदर टिंचर विथ ऑलिव ऑयल रेशियो इज 1:4. राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1:4. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. इन द प्रिपरेशन ऑफ लिलीमेंट वन पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिसिन इज ए मिक्स विथ द फोर पार्ट ऑफ ऑलिव ऑयल और इन द टिंचर ऑफ सोप. लिलीमेंट क्या है? दे आर स्पोकन ऑफ से एम्ब्रोकेशन जनरली ऑयली और सोपी एंड आर ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन जनरली मदर टिंचर और इन ऑयल और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोप ऑफ इमल्सन एंड आर ए सुटेबल फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन. रबिंग एंड पेंटिंग ऑफन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग. लिलीमेंट्स आर पेंटेड ओवर द पेनफुल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मोस्टली यूज लिलीमेंट आर अनिका लिलीमेंट, बेलिस्पर एंड द रस्टॉक्स लिलीमेंट. चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 104. इथाइल एल्कोहल इज अ मोनोहाइड्रिक. राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोनोहाइड्रिक. चलिए इसका लिटिल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. इथाइल एल्कोहल इज अ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. केमिकल फार्मूला इज द C2H5OH. And the molecular weight is 46.07 and the synonyms is the ethanol, spirit of wine and green alcohol. चलिए next question की ओर देखते हैं. Question number 105. Refractive index of glycerin at 20 degree centigrade is. The right answer is option B 1.45459 and 1.470. Refractive index of glycerin. The right answer is option B. चलिए अब इसके लिए लिटिल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन. ग्लिसरीन केमिकल फार्मूला क्या है इसका? C3H5OH3. मॉलिकुलर वेट 92.1. बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द 1.4712-1.473. इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड लोअर डायल्यूशन ऑफ सर्टन पॉइजनस प्रोडक्ट एपिस मेलिफिका नाजा ट्रिपेंडुएंस एंड द टेरेंटुला हिस्पाना. इट इज़ द एंटीसेप्टिक इमुलियंट एंड डिम्यूलेसेंट. एज एन इमुलियंट सब्सटेंस विच सॉफ्टन एंड रिलैक्स द स्किन अपॉन विच दे आर. ग्लिसरीन इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर द चैप्ड लिप्स एंड हैंड रफ ड्राई फॉर फुरेसिय स्किन. इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग ए मुलेन ऑयल यूज अ सपोजिट्री इन कंपोजिशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 106. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द थेरापेटिक क्रीम. द राइट आंसर इज ऑइंटमेंट. इसे थेरापेटिक क्रीम भी कहा जाता है. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. ऑइंटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड द थेरापेटिक क्रीम. ऑइंटमेंट प्रिपेयर बाय मिक्सिंग ए वन पार्ट पार्ट ऑफ वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मदर टिंचर एंड 9 पार्ट बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ऑफ पैराफिन. इस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 107. अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए वन पार्ट ऑफ द मदर टिंचर एंड 9 पार्ट ऑफ द वैसलीन इज नोन एज द ऑइंटमेंट.
The right answer is option D, ointment. Question number 108. Pilate is the synonyms of globules. इसके बारे में देखते हैं अपन additional information. Pilates is the synonyms for globules. It is a small sphere and made of cane sugar. Method of its medication is the same as that of globules. आगे देखते हैं इसमें अपन little more information देखते हैं cones. These are prepared from cane sugar added with the egg albumin. Cane sugar and egg albumin से मिलकर के cones बनती हैं friends. Next देखते हैं इसमें two kingdoms vegetable and animal both become its sources. दोनों सोर्स से लेकर के इसको बनाया जाता है. शेप ऑफ कॉनिकल और सेमी ग्लोबुलर. साइज इज कॉमनली साइज यूज इन होम्योपैथी नंबर 6. कंसिस्टेंसी इज हार्डर देन द ग्लोब्यूल्स. दे आर हार्डर देन द ग्लोब्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एग एल्बुमिन. सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एज रेडली एज द ग्लोब्यूल्स डू नॉट. दे हिंस दे रिमेन्स इंटैक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. सिंस दे आर हार्डर देन द ग्लोब्यूल्स they absorb very small quantity of liquid medicine. So we dispenses very small quantities of medicine to the our patient. चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर. Next question फ्रेंड इसमें question number 109. They are 5 types of alcohol. तो चलिए अपन देखते हैं कौन कौन से 5 types of alcohol हैं. तो सबसे पहला इसमें absolute alcohol, then strong alcohol, dilute alcohol, dispensing alcohol and rectified spirit. तो ये 5 तरह के अल्कोहल हो गए फ्रेंड्स. तो साथ ही साथ आप इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी भी याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 110. द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑलिव ऑयल इज 2. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑलिव ऑयल इज 79 to 92. Determination of iodine value. It gives the degree of unsaturation of the acid present in oils and fat. It is defined as the number of the grams of iodine that combine with the 100 grams of oil or fat. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. जरा देखते हैं हम इसमें दिखाया है नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल एंड द ड्राइंग ऑयल कौन कौन सी हैं. तो आयोडीन वैल्यू बिलो 90 इज द नॉन ड्राइंग ऑयल. इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल. उसी तरह सेमी ड्राइंग ऑयल कौन कौन से हैं. आयोडीन वैल्यू बिटवीन 90 to 120. एग्जाम्पल है क्रोटॉन सीड्स ऑयल एंड सीजम ऑयल. उसी तरह ड्राइंग ऑयल कौन कौन से. आयोडीन वैल्यू अबोव द 120 इज द लाइनसीड ऑयल एंड द चाइना वुड ऑयल. तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो गया फ्रेंड्स. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111. द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स वेरीज फ्रॉम 8 to 80. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स वेरीज फ्रॉम 8 to 80. इन होम्योपैथी ग्लोब्यूल्स नंबर 10, 15, 20, 25, 30, 40 आर द जनरली यूज. दिस नंबर डिनोट द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स required to accommodate 10 equal size globules. Place diameter to diameter. Little more information देखते हैं अपन globules के बारे में. Shape कैसा रहता है. Round shape रहता है globules का. Size रहता है varying from 8 to 80. Color and order white in color and orderless. Taste कैसा रहता है. Sweeter than sugar of milk as it is prepared from cane sugar. Solubility soluble in water and insoluble in alcohol. Frequently used for dispensing of medicine. Best media for the preserving medicine. The globules retain their medicinal virtue from many years. It protects against the sunlight. ये किसमें बताया गया है. फॉरेस्ट में 272 6th edition में इसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर है 112. Mention the vehicle by which you can prepare a liniment. The right answer is option D, olive oil. Liniment बनाने के लिए olive oil का प्रयोग किया जाता है. In preparation of liniment, one part of the required medicine means mother tincture is mixed with the 4 parts of the olive oil in the tincture of soap. जिसका ratio कितना रहता है friends? 1/4. 1 part है mother tincture का and 4 part है ऑलिव ऑयल का. फॉर द इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रिफर टू द क्वेश्चन नंबर 103. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.
क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑलिव ऑयल 0.813 to 0.890। ये राइट रॉन्ग आंसर है फ्रेंड, बाकी सभी सही है। ग्लिसरीन का, डाइल्यूट अल्कोहल का एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी सही है। तो चलिए एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं सबका कितना रहता है। तो ऑलिव ऑयल का कितना रहता है फ्रेंड्स, जो इसमें रॉन्ग दिया है आंसर, ऑलिव ऑयल का रहता है 0.910 से 0.913। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार्ट एक बार फिर से इसमें दिया है जो अपन कुछ देर पहले देखे हैं पिछले क्वेश्चंस में, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। एब्सोल्यूट अल्कोहल है 0.792, रेक्टिफाइड स्पिरिट है 0.812, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है 0.816, डिस्पेंसिंग अल्कोहल है 0.840, डायल्यूट अल्कोहल 0.890, ऑलिव ऑयल है 0.910 to 0.913, स्पर्मिसिटी 0.940 एंड ग्लिसरीन 1.255। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, मेंशन द व्हीकल बाय विच वी कैन प्रिपेयर ए मदर टिंचर। तो किससे अपन मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से। चलिए इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर फॉर द वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस अंडर द हैनिमन ओल्ड मेथड एज वेल एज इन द न्यू मेथड। तो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल क्या है, इन होम्योपैथी व्हेन द वर्ड अल्कोहल इज ए ओनली यूज इट मीन्स ए स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, सिनोनिम्स है अल्कोहल फोर्टीज एंड अल्कोहल फोर्टीज। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अल्कोहल फोर्टीज किसे कहा जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को अल्कोहल फोर्टीज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें, इट इज़ ए ऑप्टेन आफ्टर द सेकेंड डिस्टिलेशन एंड इट स्ट्रेंथ बिकम ए अपेयर 95% बाय द वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 15.6 degree to 0.816। इट इज़ ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट मोबाइल वॉलेटाइल लिक्विड विथ प्लेजिंग एरोमा एंड द बर्निंग टेस्ट। इट इज़ ए न्यूट्रल टू ऑल इंडिकेटर वैन प्योर। इट इज़ ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस अंडर द हैनिमन ओल्ड मैथड एज वेल एज द न्यू मैथड। इट इज़ ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर सॉल्यूशन एज इन द क्लास 6 अंडर द ओल्ड मैथड वेयर द ड्रग सब्सटेंस इज सॉल्यूबल इन एल्कोहल। इट इज़ ए यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल, डायल्यूट अल्कोहल एंड द डिस्पेंसिंग एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें क्या क्वेश्चन है, स्पर्मेसिटी फिजिकल नेचर इज सेमी सॉल्यूट। स्पर्मेसिटी कैसी रहती है, सेमी सॉल्यूट रहती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्पर्मेसिटी इज ए वन ऑफ द सेमी सॉलिड फैटी सब्सटेंस इम्प्लॉयड टू गिव ए कंसिस्टेंसी टू सीरेट्स एंड ऑइंटमेंट्स। स्पर्मेसिटी क्या है, सिनोनिम्स कैटेशियम स्पर्मा डी बेलेना। इट इज़ अ वैक्सी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म वेयर फाइस्टर मैक्रोसिपेलस लेन। स्पर्मेसिटी वॉज यूज चीफली इन द ऑइंटमेंट कॉस्मेटिक क्रीम्स फाइन वैक्स कैंडल्स एंड प्रमोट्स वोमेट्स एंड द टेक्सटाइल फिनिशिंग। लेटर इट वॉज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की तरह इसका उपयोग किया जाता है। द सब्सटेंस वॉज नेम्ड इन द मिस्टेकन बिलीव दैट इट वॉज द कॉगुलेटेड सीमेन ऑफ द वेल। केमिकली स्पर्मेसिटी इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ विथ एसिटाइल पालमेटेट प्रीडोमिनेट्स एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ 0.94 एंड द मेल्टिंग रेंज इज 42 degree centigrade to 50 degree centigrade। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 116, बाइंडिंग मटेरियल यूज फॉर द टेबलॉइड प्रिपरेशन इज द शुगर। बाइंडिंग मटेरियल क्या है इसका फ्रेंड, शुगर है। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। टैबलेट्स और टेबलॉइड्स आर प्रिपेयर फ्रॉम प्योर रिफाइंड शुगर ऑफ मिल्क बाय द कंप्रेसिंग और मोल्डिंग। टैबलेट्स और टेबलॉइड्स प्रिपेयर फ्रॉम प्योर रिफाइंड शुगर ऑफ मिल्क, शेप इज डिस्कॉइड इन फॉर्म राउंड बट फ्लैट वाइट इन कलर
साइज क्या है? दे आर फाउंड इन द साइज ऑफ 1 ग्रेन और 65 मिलीग्राम साइज। कंसिस्टेंसी इज सॉफ्टर देन द ग्लोबुल्स और पिलेट्स एज दे आर मेड ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। मोर इजली सॉल्यूबल इन वाटर देन ग्लोबुल्स और पिलेट्स। इनसॉल्यूबल इन एल्कोहल। मेडिकेशन दे आर मेडिकेटेड बाय द सेम प्रोसेस एज द ग्लोबुल्स बट द स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ मेडिसिन आर यूज टू मेडिकेट द टेबलेट एज देयर इज ए वेरी चांसेस ऑफ देम टू बी डिजॉल्व इन द मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 117। परसेंट ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल इज द 88%। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 88%। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। डिस्पेंसिंग एल्कोहल कंटेन 88% बाय वॉल्यूम और 83.1 बाय द वेट ऑफ द इथाइल एल्कोहल एंड 12% बाय द वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। चलिए इसके बारे में और देखते हैं अपन। डिस्पेंसिंग एल्कोहल सिनोनिम्स क्या है? एल्कोहल ऑफिशियलिस एंड ऑफिशियल एल्कोहल भी कहते हैं इसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 15 और 16 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0.840 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इट इज़ अ मोस्टली यूज फॉर द पोटेंटाइजिंग द ड्रग फ्रॉम देयर मदर टिंचर स्टेट एज इट इज़ द मोर रेडली एब्जॉर्ब बाय द ग्लोबुल्स शुगर ऑफ मिल्क और टैबलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें क्या है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड ओपी एल्कोहल इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 91.4%, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ओपी। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे देखते हैं फ्रेंड्स। रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ओपी कंटेन 91.29% वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है इसमें देखते हैं अपन। रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 डिग्री ओपी मीन्स दैट द 100 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल डायल्यूटेड विद द प्यूरिफाइड वाटर will give the 160 volume of proof spirit. In the other words, it means a pure rectified spirit contain 160% of proof spirit. Rectified spirit 60 OP was originally recommended in the old BHP for the dilution purpose. In India, for the dispensing purpose, rectified spirit 60 degree OP is the thoroughly used in the place of dispensing alcohol. It is a 3.29% stronger than the dispensing alcohol. It is a use for the potentization of medicine under the centesimal scale. It is a use for the cleansing of utensils. चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 119। What is the formula of ethanol? तो इथेनॉल का क्या है फॉर्मूला फ्रेंड्स? इसका फॉर्मूला है C2H2OH, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर, C2H5OH। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इथाइल एल्कोहल इज ए मोनोहाइड्रेट एल्कोहल, केमिकल फार्मूला C2H5OH एंड द मॉलिकुलर वेट इज 46.07। सिनोनिम्स क्या है? इथेनॉल, स्पिरिट ऑफ वाइन एंड द ग्रीन एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एल्कोहल इज 78.5 डिग्री। प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल एल्कोहल, इट इज़ ए कलरलेस नेचुरल ट्रांसपेरेंट वॉलेटाइल लिक्विड विथ ए प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। It is the burning point 78.5 degree centigrade. It freezes at -114 degree centigrade and so it is used in the alcohol thermometer for the measuring the low temperature. ठीक है friends, it is a highly hygroscopic and inflammable. It burns with a pale blue smokeless flames. It is lighter than the water and the miscible within all the proportion with the evolution of heat and the contraction of the volume. In small doses, alcohol is a stimulant but in excess a poison. Alcohol is a good solvent for organic compound. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। ग्लिसरीन व्हीकल इज ए ऑब्टेन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, मीन्स मिनरल सोर्सेज से, प्लांट सोर्सेज से, एनिमल, तीनों सोर्सेज से ग्लिसरीन प्रिपेयर की जाती है फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन।
ग्लिसरीन इज द कॉमनेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल एनिमल्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कॉड लीवर ऑयल एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 122. प्रोपेनिट्रॉल इज द केमिकल नेम ऑफ ग्लिसरीन. ग्लिसरीन का ये केमिकल नेम है फ्रेंड. चल इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन. प्रोपेटिनॉल पेनिट्रॉल इज द केमिकल नेम ऑफ ग्लिसरीन. केमिकल फार्मूला क्या है इसका? C3H5OH3. मॉलिकुलर वेट है 92.1. बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द 1.471 एंड 1.473. चलिए देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंटाइजेशन और इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. चलिए इस पे अपन नज़र डालते हैं. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 123 है, लिक्विड पोटेंसी कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम 6x पोटेंसी, जिसे कि फिर सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन पोटेंसी बनती है 8x पोटेंसी, जिसमें कि 7x पोटेंसी नहीं बनती है. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं अपन. लिक्विड पोटेंसी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 6x टाइचुरेशन. वी कैन नॉट कन्वर्ट एवरी टाइचुरेशन इनटू लिक्विड पोटेंसी. वी कैन कन्वर्ट ओनली 6x टाइचुरेशन अंडर द डेसिमल स्केल एंड फ्रॉम द थर्ड सी अंडर द सेंटीसिमल स्केल इनटू द लिक्विड पोटेंसी. टाइचुरेशन बिलो दिस डिग्री 6x एंड 3c वी कैन नॉट ट्रांसफर इनटू लिक्विड स्टेट एज नाइदर प्यूरिफाइड वाटर नॉर एल्कोहल विल बी एबल टू डिजॉल्व देम. दे दिस फर्स्ट लिक्विड पोटेंसी प्रिपेयर फ्रॉम टाइचुरेशन अंडर द सेंटीसिमल स्केल इज द 4c एंड अंडर द डेसिमल स्केल इज द 8x. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124. फ्रैक्शन पोटेंसी इज द पिक्युलर प्रोसेस व्हेन द मेडिसिन प्रिपेयर बाय द टाइचुरेशन आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पोटेंसी बाय द सक्शन. व्हाट आर द लेवल एट विच इट इज टू कैरीड आउट. द राइट आंसर इज 6x to 8x. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 126. हायर पोटेंसी इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन आर नोन एज द फ्लक्शन पोटेंसी. चलिए इसके बारे में अपन देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लक्शन पोटेंसी. हायर पोटेंसी इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लक्शन पोटेंसी. हायर पोटेंसी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज द हायर फ्लक्शन पोटेंसी. पोटेंसी सच एज 10 m, 50 m, cm, dm, mm, etc. रिक्वायर्ड टाइम, लेबर एंड एल्कोहल इज मच मोर टू कम्बैक दिस प्रॉब्लम. सम ग्रेट होम्योपैथी हैज़ इन्वेंटेड मशीन फॉर द प्रिपेयरिंग ए हायर एंड हाइएस्ट पोटेंसीज. सच हायर पोटेंसी इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज द हायर फ्लक्शन पोटेंसी. इन दिस प्रोसेस प्यूरिफाइड वाटर इज यूज एज ए व्हीकल इंस्टीड ऑफ एल्कोहल फॉर द इंटरमीडिएट स्टेप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 127. पोटेंटाइजेशन इंक्लूड्स फिनोमिना ऑफ, द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, मीन्स डायल्यूशन एंड फ्रिक्शन. पोटेंटाइजेशन दोनों तरीके से किया जाता है, डायल्यूशन एंड फ्रिक्शन के द्वारा. तो चलिए अपन इसको देखते हैं, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन. तो पोटेंटाइजेशन क्या है? इट इज़ ए मैथोमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस बाय द वर्च्यू ऑफ विच द इनहेरिटेड डोमिनेंट ऑफ डायनेमिक क्रिएटिव पावर ऑफ ड्रग इज अराउज्ड और इंक्रीज बाय द मॉडिफाइंग ड्रग स्ट्रेंथ और ड्रग पावर टू डायनेमिक पावर थ्रू द साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ डायल्यूशन एंड द फ्रिक्शन इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया. लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं फ्रेंड्स. मास्टर हैनीमन हिज प्रीफेस टू 5th वॉल्यूम ऑफ क्रॉनिक डिसीज डिफाइंस होम्योपैथी डायनामाइजेशन आर प्रोसेस बाय विच द मेडिसिन प्रॉपर्टीज विच आर लेटेंट इन नेचुरल सब्सटेंस वाइल इन देयर क्रूड स्टेट बिकम अराउज्ड एंड देन बिकम इनेबल टू एक्ट इन ए ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैनर इन आवर लाइफ. इन आवर सेंसिबल एंड इरिटेबल फाइबर दिस डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड नेचुरल सब्सटेंस डायनामाइजेशन टेक प्लेस इन द केस ऑफ ड्राई सब्सटेंस बाय द मीन ऑफ ट्राइचुरेशन इन ए मोर्टार but in the case of fluid substance by means of shaking or suction which is also a trituration. चलिए next question की ओर जाते हैं. question number 128. how many strokes are given in the process of potentization. कितने stroke दिए जाते हैं potentization के लिए? तो 10 stroke दिए जाते हैं. right answer is option D, 10 stroke.
चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. 10 स्ट्रोक आर गिवन इन द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन. द बॉटम ऑफ प्याल इज ए प्लेस्ड ऑन द लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड एंड द थंब ऑफ द सेम हैंड शुड बी टाइटली हेल्ड विद द अदर फिंगर्स. देन 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक आर ए गिवन. द हैंड ऑफ इनक्लोजिंग प्याल शुड बी ए बियॉन्ड द लेबल ऑफ शोल्डर बट नॉट बियॉन्ड द लेबल ऑफ अपर लिमिट ऑफ द पिन्ना. चलिए आगे देखते हैं लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन. Regarding to number of the stroke, Hahnemann's idea. Regarding the numbers of stroke to be given for each potency, Hahnemann himself has changed his mind several times. In 5th edition of Organon of Medicine has used only 2 stroke, but the later one is a 10 stroke in chronic disease. AHP and GHP, they advocate 10 strokes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 129. इन 50 मिलीसीमल स्केल द अंडर सब्सटेंस इज ए रिड्यूस इन ऑप्शन डी थर्ड सी. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. इन प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इन 50 मिलीसीमल पोटेंसी ड्रग सब्सटेंस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सॉल्यूड सॉलिड और लिक्विड जूसी और ड्राई इज ए टाइचुरेटेड विद शुगर ऑफ मिल्क अप टू द थर्ड सेंटीसीमल पोटेंसी. मीन्स थर्ड सेंटीसीमल पोटेंसी से लेकर के अपन 50 मिलीसीमल पोटेंसी प्रिपेयर करते हैं. देन 1 ग्रेन ऑफ थर्ड टाइचुरेशन डिजॉल्व इन 1500 ड्रॉप्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ डिस्पेंसिंग एल्कोहल एंड 4 पार्ट ऑफ द प्यूरिफाइड वाटर. थर्स द ड्राई ट्राइचुरेशन इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड फॉर्म. वी कॉल इट द मदर पोटेंसी ऑफ न्यू मैथड और मदर टिंचर ऑफ 50 मिलीसीमल स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 130. डेसिमल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस बाय ऑप्शन इसमें दिया नहीं है फ्रेंड्स, दिया है ऑप्शन ए डॉक्टर सी हेरिंग ने किया था. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन. डेसिमल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर कंसिस्टाइन हेयरिंग. डेसिमल स्केल दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द फर्स्ट पोटेंसी शुड बी कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग सब्सटेंस एंड ईच सक्सीडिंग पोटेंसी शुड कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी एंड दिस पोटेंसी इज डिनोटेड बाय सफिक्सिंग द लेटर एक्स टू द नंबर ऑफ इंडिकेटिंग द पोटेंसी. द फर्स्ट पोटेंसी इज 1x एंड द सेकेंड पोटेंसी इज द 2x. लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन. सेंटीसीमल स्केल वॉज इंट्रोड्यूस बाय हैनीमन इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन इन 1833 इन एफोरिज्म 270. एंड इसी तरह अपन देखते हैं 50 मिलीसीमल स्केल के बारे में. 50 मिलीसीमल स्केल और एलएम स्केल दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस इन द 6th एडिशन ऑफ ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन. द नेम ऑफ 50 मिलीसीमल वॉज गिवन इन डॉक्टर पी स्मिथ जिसे कि पेरिस स्मिथ कहते हैं अपन. पी स्मिथ ऑफ जिनेवा. हैनीमन हिमसेल्फ टर्म्ड हिज मेथड एज ए रिन्यूड डायनामाइजेशन. इन फुट नोट ऑफ एफोरिज्म 246 हैनीमन राइट न्यू अल्टर्ड बट द परफेक्ट मेथड. न्यू डायनामाइजेशन मेथड कहते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 131 क्या है इसमें क्वेश्चन. टाइचुरेशन इज डन इन क्या दिया फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अनग्लेज्ड पोर्सलिन मोटार. राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनग्लेज पोर्सलिन मोटार से किया जाता है टाइचुरेशन. चलिए इसके बारे में अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. द टाइचुरेशन इज डन इन अनग्लेज पोर्सलिन मोटार. दिस इनसाइड ऑफ द पोर्सलिन मोटार एंड फेस ऑफ पेस्टल शुड बी ग्राउंड एंड अनग्लेज्ड. इफ नॉट मेक अनग्लेज बाय द रबिंग वेट सैंड अपॉन देयर सरफेस. डिफरेंट काइंड ऑफ मोटार हैव स्पेसिफिक यूटिलिटी इन द प्रिपेयरिंग एंड grinding different material. These are made of iron, porcelain, agate, glass and wedge wood. Little more information देखते हैं अपन. The pharmacist must keep at least 3 mortars. Porcelain mortar for the trituration of drug having a strong smell. Glass mortar कब use करते हैं for the mercurial preparation के लिए. And the third one of the rest of the remedies. चलिए next question देखते हैं अपन. Next question है question number 132. By the method of suction, Hahnemann made potencies up to 60C. Suction के द्वारा अपन 60C तक prepare कर सकते हैं. चलिए इसके बारे में additional information देखते हैं. By the method of suction, Hahnemann made a preparation up to 60C.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 131। ऑफ बिलो विच इज़ द करेक्ट वन, व्हेन सैचुरेशन अटेन इन थर्ड सी पोटेंसी ओनली इट विल बी फिट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड पोटेंसी, एंड व्हेन सैचुरेशन अटेन फिफ्थ पोटेंसी व्हेन ओनली इट विल बी फिट इन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पोटेंसी, एंड द थर्ड व्हेन सैचुरेशन अटेन द सिक्स सी पोटेंसी देन ओनली इट विल बी फिट टू द कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पोटेंसी, एंड व्हेन सैचुरेशन अटेन द 12x पोटेंसी देन ओनली इट विल बी ऑन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पोटेंसी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, करेक्ट वन कौन सा है इसमें से? द होल प्रोसेस ऑफ सैचुरेशन डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेज। ठीक है, इसके द्वारा अपन इसके आंसर देखने की कोशिश करते हैं। थ्री स्टेज होती है इसमें, ईच टेकिंग 20 मिनट्स, टोटल 60 मिनट, ईच 20 मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू 10 to 10 मिनट्स, एंड ईच 10 मिनट इज इज कम्पोज ऑफ फर्स्ट स्टेज में रबिंग देन पेस्टल एंड 6 मिनट्स, एंड सेकेंड स्टेज में स्क्रैपिंग एंड 3 मिनट्स, एंड थर्ड स्टेज में मिक्सिंग स्टेरिंग इज द 1 मिनट। तो बिलो इस कौन सा इसमें सही है फ्रेंड, व्हेन सैचुरेशन अटेन 3C पोटेंसी देन ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पोटेंसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, व्हेन सैचुरेशन अटेन द 6 पोटेंसी देन ऑनली इट विल बी फिट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड पोटेंसी। तो राइट आंसर इसमें सी सही है। और सैचुरेशन की प्रोसेस तो अपन को अच्छे से पता है, सैचुरेशन की प्रोसेस 1 घंटे की होती है, जिसको कि 20 20 मिनट्स में बांटा गया है, और हर 20 मिनट्स को फिर 10 10 मिनट्स में बांटा गया है। उस 10 मिनट्स में 6 मिनट क्या होती है, रबिंग होती है, 3 मिनट उसमें स्क्रैपिंग होती है, और 1 मिनट उसमें मिक्सिंग होती है। तो इस तरह से सैचुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 134। मेटेलिक हार्ड एंड स्टोनी हार्ड ड्रग्स सैचुरेशन फॉर 1x और 3C फॉर 1 आवर। तो अपन ने भी देखा है सैचुरेशन के लिए 1 घंटे की टाइमिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 135। हाउ मेनी स्केल यूज इन सैचुरेशन। तो 2 स्केल यूज़ किया जाता है सैचुरेशन के लिए, एक है डेसिमल स्केल के द्वारा और दूसरा है सेंटीसिमल स्केल के द्वारा। साथ ही साथ देखते हैं इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्केल ऑफ सैचुरेशन डेसिमल स्केल एंड सेंटीसिमल स्केल। स्केल फॉर सक्शन के लिए 3 प्रोसेस होती है, डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल एंड 50 मिलीसीमल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। टू गेट 1x सैचुरेशन द ड्रग एंड शुगर ऑफ मिल्क आर टेकन इनटू रेशियो ऑफ 1:9। द राइट आंसर इज 1:9। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। फॉर द मेकिंग 1x पोटेंसी 1 पार्ट बाय द वेट ऑफ द क्रूड ड्रग इज ए सैचुरेटेड विद 9 parts ऑफ द वेट ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क। द रेशियो इज द 1:9 फॉर द पीरियड ऑफ 1 आवर इंक्लूडिंग 3 stages is consuming 20 minutes and divided into 9 parts of the sugar of milk in 3 equal parts. All the following potencies are made by taking a 1 part of the potency with 9 part of the sugar of milk. Saturation is done up to 6x potency and then 8x liquid potency is prepared. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। सक्शन इज द प्रोसेस यूज फॉर द पोटेंसी। द राइट आंसर इज सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस अल्कोहल में डिजॉल्व होंगे वो सॉल्युबल होंगे, तो सक्शन के लिए हमको सॉल्युबल ड्रग सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द मेडिसिन सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन अल्कोहल और प्यूरिफाइड वाटर आर टू टेकन फ्रॉम द सक्शन। सक्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन लिक्विड व्हीकल इन अल्कोहल एंड द प्यूरिफाइड वाटर। द टर्म सक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन सक्शम सक्सिनेचर मीनिंग ए शेकिंग अप। व्हीकल फॉर सक्शन इज अ जनरली अल्कोहल इज यूज इन द मोस्ट ऑफ द केसेस एंड class 1, class 2, class 3, class 5, 6 of animal old method. In some cases where the medicinal substance are soluble in water, as is a class 5. Principle: one part of the volume of drug or previous potency of medicine is mixed with the 9 or 99 part of volume of vehicle. Means previous potency से one first potency लेंगे, one part लेंगे और 9 part इसमें रहेगा vehicle, जो कि purified water या alcohol हो सकता है। And then 10 downward stroke are uniformly strength are applied and then potency is prepared. Next topic देखते हैं friends, question number 138, जिसमें कि posology से related questions हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से questions पूछे जाते हैं। Posology is the doctoring of doses. चलिए
चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द टर्म पोसोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक एंड पोसोज मीनिंग हाउ मच एंड लोगोज मीन्स ए स्टडी ऑफ डिस्करेज। पोसोलॉजी मीन्स द डॉक्ट्रिन ऑफ डोसेज ऑफ मेडिसिन। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डोसेज विच ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डोसिस विच मीन्स ए गिविंग द क्वान्टिटी ऑफ अ ड्रग एंड अदर थेरापेटिक एजेंट टू बी टेकन और अप्लाइड ऑल एट टाइम और एट फ्रैक्शन अमाउंट व्हाइल ए स्टेटेड पीरियड। एंड द पेरासिलस सेड द पॉइजन इज एवरीथिंग एंड नथिंग इज ए विदाउट ए पॉइजन द डोसेज मेक इट ए पॉइजन और ए रेमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। होम्योपैथी डोसेज आर मिनिमम डोसेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिमम डोसेज। मिनिमम डोसेज क्या है फ्रेंड? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मेडिसिन विच थ्रो द स्मॉलेस्ट इन क्वान्टिटी प्रोड्यूसेज द लीस्ट पॉसिबल एक्सक्रिएशन ऑफ द वाइटल फोर्स एंड येट सफिशियंट टू इफेक्ट द नेसेसरी चेंजेस इन इट। डॉक्टर नेस हैज ए डिफाइंड मिनिमम डोसेज एज इट इज ए डोज क्रूड और पोटेंटाइज कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग द पेशेंट क्रिएटिवली विदाउट अननेसेसरी एग्रवेशन वैन गिवन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमिलिया। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। इन नो केसेस इट इज़ ए रिक्विजिट टू एडमिनिस्टर मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिसिन सब्सटेंस एट वंस टाइम। इट इज़ ए रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स वैन ए सिंपल मीन्स ए सफिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वेट एंड मेजर के, उसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140। 1 मिलीग्राम सेक लेक डिजॉल्व इन द 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। शुगर ऑफ मिल्क जिसे कि अपन सैक्रम लैक्टिस या लैक्टोज कहते हैं, 1 मिलीग्राम सेक लेक इज ए डिजॉल्व इन द 5 ml ऑफ कोल्ड वाटर वेयर 1 मिलीग्राम सेक लेक इज ए डिजॉल्व इन ए 2.6 ml ऑफ बॉइलिंग वाटर। इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। इट इज़ ए प्रिपेयर फ्रॉम द गोट मिल्स। इट इज़ ए डिससैक्राइड एंड 1 यूनिट बीटा ग्लूकोज प्लस 1 यूनिट लीवो ग्लूकोज इज इक्वल टू सेक लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 141। ग्लोब्यूल्स नंबर 10 हैविंग वेट 1 ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्लोब्यूल्स। 1 ग्रेन इज इक्विवेलेंट टू 100 ग्लोब्यूल्स। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ग्लोब्यूल नंबर 10 हैविंग ए वेट इज द 1 ग्रेन इज ए इक्विवेलेंट टू 100 ग्लोब्यूल्स। इन 4th note ऑफ एफोरिज्म 270 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन 6th edition हैनीमन वाइल द डिस्क्राइबिंग अबाउट द 50 millisievert पोटेंशी टोल्ड दैट द स्मॉल ग्लोब्यूल्स पुट थ्रो ए स्ट्रेनर दैट विल परमिट ओनली 100 टू पास थ्रो द वेकिंग 1 ग्रेन द मोस्ट सर्विसेबल साइज ऑफ द नीड ऑफ होम्योपैथी फिजिशियन। इन होम्योपैथी ग्लोब्यूल्स नंबर इज 10, 15, 20, 25, 30, 40 और जनरली यूज। चलिए अपन आगे देखते हैं। दिस नंबर डिनोट द नंबर इन मिलीमीटर्स रिक्वायर्ड टू एकोमोडेटेड 10 इक्वल साइज ग्लोब्यूल्स प्लेस डायमीटर टू डायमीटर। ग्लोब्यूल्स के बारे में देखते हैं, सेप इसका राउंड रहता है ग्लोब्यूल्स का, साइज वेरी फ्रॉम 8 to 80, कलर एंड ऑर्डर वाइट इन कलर एंड ऑर्डर लेस, टेस्ट इज ए स्वीटर दैन शुगर ऑफ मिल्क एज इट इज़ ए कम्पेयर प्रिपेयर फ्रॉम केन शुगर। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। द ग्लोब्यूल्स रिटेन देयर मेडिसिनल वर्च्यू फॉर मेनी ईयर्स इफ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सनलाइट। एफोरिज्म 272 6th edition ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। 1 dessert spoon इज इक्विवेलेंट टू 5 ml। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 ml। चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। 1 dessert spoon इज इक्विवेलेंट टू 8 ml। 8 ml है फ्रेंड, 5 ml नहीं है, तो राइट आंसर इसका 8 ml। चलिए इसके बारे में देखते हैं। हाउस होल्ड मेजर इंग्लिश इक्विवेलेंट एंड द मैट्रिक इक्विवेलेंट। 1 drop इज इक्वल टू 1 minims एंड मैट्रिक इक्विवेलेंट में 0.6 ml। उसी तरह 1 teaspoon इज द 1 fluid drachm इज इक्वल टू 4 ml एंड 1 dessert spoon फोर टू 2 fluid dr इज द 8 ml एंड 1 tablespoon इज द 4 flat dr इज द 15 ml एंड 1 wine glassful इज द 2 fluid ounces इज द 60 ml।
and 1 tea chief full is the 4 floor ounces is 120 ml. Next question देखते हैं, question number 143. 1 grain powder is equivalent to 65 milligram. Option A is the right answer. Next question friend, question number 144. 1 ml of water can give a 20 drops. Right answer is option C, 20 drops. इसके लिए additional information देखते हैं. 1 ml of water can give a 20 drops. Standard drop measure is as per recommended. In the external diameter at the delivery end is 3 mm and delivers 20 drops of water when held a vertically, total weight of which is the between 0.9 gram to 0.1 gram at 50 degree centigrade. Little more information देखते हैं. 1 drop is not exactly 1 minute and 60 drop are not exactly 1 fluid regime. Ordinary 100 drops of 60 minims of water equivalent to 1 fluid dregem. Note, the volume of drop of water any fluid depend on various factor, viscosity, density, temperature, attitude, surface tension, etc. Light substance example, alcohol, chloroform, bromine will form a small drop and thick substance example, syrup and gums will produce a large drop. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर. द राइट आंसर इज 18. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज द 18. वाटर केमिकल फार्मूला किस क्या है इसका, H2O. मॉलिक्यूलर वेट है 18. स्पेसिफिक ग्रेविटी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1.00. फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड. क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374.2 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय मेनी सब्सटेंस एग्जांपल इज कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा. दिस सब्सटेंस आर जनरली कॉल्ड द डिहाइड्रेटिंग और डिसेक्टिंग एजेंट और डेसिकेंट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 146. 1 फ्लूइड ऑन्स इज द 8 फ्लूइड ड्रेजेम. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8 फ्लूइड ड्रेजेम. चलिए इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. 1 फ्लूइड ऑन्स इज द इक्वल टू 8 ड्रेजेम एंड द 1 ड्रेजेम इज इक्वल टू 60 मिनिम्स ऑट हर 100 ड्रॉप्स. तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. आगे का टॉपिक है एब्रीवेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड मिसलेनियस. जितने भी आगे के टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. होप करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके. और लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर, थैंक यू.